अगर आप भी भविष्य में उत्तराखंड यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब उत्तराखंड में आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से एंट्री टैक्स के स्थान पर ग्रीन सेस लिया जाएगा। ये सेस व्यावसायिक और निजी दोनों ही प्रकार के वाहनों से लिया जाएगा। केवल दो पहिया वाहन और ट्रैक्टर को इससे छूट रहेगी। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के कार्य के लिए किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग अभी तक अन्य राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से एंट्री टैक्स लेता है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। राज्य की सड़कों में जितना भार राज्य के वाहनों का होता है उससे कहीं अधिक अन्य राज्यों के वाहनों का होता है। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा के लिए राज्य में नए वाहनों की खरीद के समय ग्रीन सेस लगाता है, लेकिन राज्य के वाहन वालों से नहीं। केंद्र ने कुछ समय पहले सभी राज्यों से एंट्री टैक्स माफ करने को कहा है। ऐसे में परिवहन विभाग एंट्री टैक्स समाप्त कर राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक ये सेस हो सकता है। विभाग ने अभी चेक पोस्ट भी खत्म कर दी है, इसलिए ये सेस ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। राज्य में रेगुलर आने वाले वाहनों के लिए छूट की व्यवस्था की जा सकती है। संयुक्त आयुक्त एस के सिंह ने बताया कि अभी इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ये नई व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उत्तराखंड प्रशासन ग्रीन सेस के प्रचार प्रसार की तैयारी में है।